नमस्ते सर, वेलकम टू वीवो। मैं सुना है वीवो ने नया X Fold 3 Pro लॉन्च किया है। यस सर, वीवो ने लॉन्च किया है अपना पहला फोल्ड डिवाइस इन इंडिया, X Fold 3 Pro, द बेस्ट फोल्ड एवर। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इससे पहले कभी कोई और फोल्ड डिवाइस यूज या एक्सपीरियंस किया है? नहीं। ग्रेट सर, X Fold 3 Pro है इंडिया का स्लिमेस्ट फोल्ड डिवाइस, ये है इंडिया का बिगेस्ट डिस्प्ले इन फोल्ड, इसमें है इंडिया का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले, ये इंडिया का सबसे लाइटेस्ट फोल्ड है और ये पहला फोल्ड है इंडिया में जो आता है ज़ाइस कैमरा सिस्टम के साथ। ये पहला फोल्ड है जो कि लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ। ये इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है, इसमें आता है इंडिया का सबसे फास्ट चार्जिंग, ये बनाता है X Fold 3 Pro को द बेस्ट फोल्ड एवर। क्या सर, मैं जान सकता हूँ कि आपका प्रोफेशन क्या है? बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी अपने नए फोल्ड डिवाइस के साथ? तो मुझे एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, बड़ी और ब्राइट स्क्रीन चाहिए। दूसरा, मुझे पावर बैकअप बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे एक बड़ी बैटरी चाहिए। ओके। और एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसमें कैमरा काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन सर। सर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा X Fold 3 Pro के बेस्ट डिज़ाइन के बारे में। सर, ये इंडिया का सबसे लाइटेस्ट फोल्ड है जिसका वेट सिर्फ 236 ग्राम्स है। सर, मैं चाहूंगा कि आप इसको फील करके देखिए इसका लाइट वेट। हाँ, काफी लाइट। और सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप इसको अपनी पॉकेट में एक बार डाल के देखिए प्लीज। ये तो बिल्कुल भी बल्की फील नहीं होता। सर, इसका रीजन ये है X Fold 3 Pro इंडिया का स्लिमेस्ट फोल्ड है, इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ 11.2 mm है, जिसके कारण ये आपकी पॉकेट में या आपके बैग में काफ़ी आसानी से फिट हो जाता है। सर, अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो X Fold 3 Pro में आता है इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले 8.03 इंचेस का, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है इंडिया की ब्राइटेस्ट डिस्प्ले के साथ, जो है 4500 nits। सर, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी और क्लैरिटी के बारे में पता चलेगा। सर, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये तो काफी ब्राइट और काफी क्लियर फोटो है। यस सर, इसका रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडिया का बिगेस्ट डिस्प्ले है और इसमें है इंडिया का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले, जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को इंडोर्स और आउटडोर्स एनहेंस कर देता है, जिससे आप अपने ऑफिशियल और अपने पर्सनल काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो कैसा लगा सर आपको X Fold 3 Pro के डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में? इसकी जो स्लिमनेस है वो काफ़ी अच्छी है और जो इसकी डिस्प्ले है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। आइए मैं आपको अब इसके बेस्ट कैमरा के बारे में बता देता हूँ। सर, X Fold 3 Pro इज द ओनली फोल्ड डिवाइस इन इंडिया जो कि आता है ज़ाइस कैमरा सिस्टम के साथ। इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा विद 100x डिजिटल जूम, 50 मेगापिक्सल का VCS ट्रू कलर मेन कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। सर, अब मैं आपको बताता हूँ इनोवेटिव वेज जो आप यूज़ कर सकते हैं X Fold 3 Pro के कैमरा के साथ। तो चलिए सर। सर, आपने हमेशा फ्रंट कैमरा से तो सेल्फीज़ क्लिक करी ही होंगी, X Fold 3 Pro के साथ आप अपने रियर कैमरा के साथ भी सेल्फीज़ को क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैमरा में जाना है, सेल्फी आइकन पर क्लिक करना है और आप ये स्विच देख पाएंगे। जब आप इस स्विच पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा रेयर HD सेल्फी। आपको इस पॉपअप पे क्लिक करना है और सर आप मैजिक देख सकते हैं कि आप अपने रेयर कैमरा से भी सेल्फीज़ को क्लिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि इसमें आपको सारे मोड्स को एक्सेस करने का ऑप्शन आता है, जैसे नाइट, पोर्ट्रेट, वीडियो, सिनेमैटिक एंड मोर। सर, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? श्योर। सर, अब मैं चाहूंगा कि आप रेयर कैमरा सेल्फी को खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। वाओ, इससे सेल्फीज तो और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ आती है। यस सर, श्योरली सर। सर, अब मैं आपको एक और इनोवेटिव तरीके के बारे में बताता हूँ
जिससे आप काफ़ी अमेजिंग सेल्फीज और वीडियोस को कैप्चर कर पाएंगे। तो सर आइए, सर उसके लिए आपको अपने X Fold 3 Pro को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और हमारा जो डिवाइस है वो जेस्चर कंट्रोल है। सो सर आप अपने पाम का यूज़ करके अमेजिंग सेल्फीज को कैप्चर कर सकते हैं। सर X Fold 3 Pro में आपको एक और फीचर मिलता है जिसमें आप रियल टाइम अपनी इमेजेस को प्रीव्यू कर सकते हैं। आपको उसके लिए इस टैब पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको पुरानी इमेजेस स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगी, और अगर आप चाहें तो उस इमेजेस को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सर आपने जैसे खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा कि कई बार आपको छोटे बच्चों या जब पेट्स की आपको लो एंगल वीडियोस या इमेजेस कैप्चर करनी होती हैं तो आपको कई बार फ्लोर पे झुकना पड़ता है या बैठना पड़ता है, जो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। सर विद X Fold 3 Pro यू कैन ईजिली कैप्चर लो एंगल वीडियोस विद ईज एंड कंफर्ट। उसके लिए आप वीडियोस पे जा सकते हैं। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप बड़ी आसानी से लो एंगल इमेजेस और लो एंगल वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चेयर पे बैठिए ताकि मैं आपको एक लो एंगल वीडियो जो है आपको रिकॉर्ड करके डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ। तो सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ और बड़ी आसानी से मैं एक लो एंगल वीडियो जो है आपका कैप्चर कर रहा हूँ बिना फ्लोर पर बैठे और बिना झुके। सर आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। सर आप देख पा रहे हैं कि कितना क्लियर वीडियो जो है वो कैप्चर हुआ है। कैसा लगा आपको ये फीचर? फीचर तो काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सर। सर इसी तरीके से आप X Fold 3 Pro को एज अ ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप प्रोफेशनल टाइम लैप्स वीडियोस बना सकते हैं। उसके लिए आपको मोर मोड में जाना है और आप यहां पे टाइम लैप्स ऑप्शन देख पाएंगे और आप अमेजिंग टाइम लैप्स वीडियोस को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी ट्राइपॉड की मदद से। सर हमारे X Fold 3 Pro के साथ आपको अमेजिंग पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए भी ज़ाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ज़ाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये लेंस पे क्लिक करना है। जब आप इस लेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रीसेट्स मिलेंगे विद डिफरेंट फोकल लेंथ। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इनमें से कोई भी एक प्रीसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रीट पोर्ट्रेट कैप्चर करना है एट नाइट तो उसके लिए आप स्ट्रीट पोर्ट्रेट पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़ाइस का 20p ट्राइंगुलर सिनेमैटिक फ्लेयर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको किसी का क्लोजअप शॉट कैप्चर करना है तो आप क्लोजअप पे कैप्चर करेंगे, आप क्लोजअप पे क्लिक करेंगे, आई पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़ाइस का जो प्लानर इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी से अमेजिंग पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं विद ज़ाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट। सर इसके अलावा इसमें आपको 4K सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो सिलेक्ट करना है, यहाँ से 4K सिलेक्ट करना है और आप ज़ाइस सिनेमैटिक पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसके बाद आप कलर LUT पे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लासिक मूवीज़। आप बड़ी आसानी से एक सिनेमा टाइप वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। सर जैसे मैंने आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आप X Fold 3 Pro के कैमरा को कितने इनोवेटिव वे के साथ यूज़ कर सकते हैं, हमने स्टार्ट किया रेयर कैमरा सेल्फी से, फिर हमने देखा कि आप कैसे बिना ट्राईपॉड की मदद से प्रोफेशनल टाइम लैप्स वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही में वेस्ट लेवल शूटिंग कर सकते हैं, साथ ही में ज़ाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट के साथ अमेजिंग पोर्ट्रेट्स को कैप्चर कर सकते हैं और 4K सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन सब में से आपका फेवरेट फीचर कौन सा है? आई थिंक वेस्ट लेवल शूटिंग मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल आपको द बेस्ट कैमरा ऑफ X Fold 3 Pro कैसा लगा? It's very nice. Thank you so much, sir. अब हम बात करेंगे X Fold 3 Pro की बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में। सर X Fold 3 Pro is India's first fold launched with Snapdragon 8 Gen 3 processor. It has India's biggest battery of 5700 mAh.
इट हैज इंडियाज फास्टेस्ट चार्जिंग इन फोल्ड विच इज 100 वॉट, और सर साथ ही में ये आपकी मल्टीटास्किंग को काफी आसान बना देता है। सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप एक टाइम पे मल्टी स्क्रीन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, तो एक टाइम पे आपके पास 4 स्क्रीन्स को एक्सेस करने का ऑप्शन है जो आपकी मल्टीटास्किंग को काफी आसान बना देता है। तो कैसा लगा आपको X Fold 3 Pro का बेस्ट परफॉर्मेंस? इट इज अ वेरी गुड मल्टीटास्क। थैंक यू सो मच सर। सर अब हम बात करेंगे X Fold 3 Pro के बेस्ट AI फीचर्स के बारे में। सर उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस तरफ आ जाइए प्लीज। सर जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है AI नोट असिस्ट। इस फीचर से आप अपनी मीटिंग की जो डिस्कशन है उनकी समरी बना सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स या अपने क्लाइंट्स के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं। सर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे एक टच पैड दिख रहा है। सर आप अपने X Fold 3 Pro को मिनी लैपटॉप के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी वर्क समरी को भी बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। अब सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां पे चैट GPT ओपन कीजिए। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइप कीजिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री इन 200 वर्ड्स। ये सिर्फ एक सैंपल है आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि आप कैसे AI नोट असिस्ट को यूज कर सकते हैं। सर आप इसे कॉपी कीजिए पूरे टेक्स्ट को, और सर आप ग्लोबल टास्क बार के जरिए यहाँ पे AI नोट असिस्ट ओपन कीजिए। अब आप प्लस साइन पे जाइए। अब आपने आप देखिए कि आपकी स्क्रीन के नीचे वो पूरा टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। अब सर आप इसे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए स्क्रीन पे प्रेस करके सिलेक्ट ऑल, और अब आपके पास नीचे AI का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपके पास समराइज। यस सर, अब आप देख पा रहे हैं कि पूरे टेक्स्ट को कैसे AI ने एक समरी में ट्रांसफर कर दिया। तो कैसे लगा आपको ये फीचर? ये फीचर तो काफी अच्छा है। थैंक यू सर। सर अब मैं आपको एक और AI फीचर के बारे में बताना चाहूंगा, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, जिससे आप अपनी मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग्स है उनको स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फीचर को आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्डर पे जाना है और आपको अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड करना है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी अभी रिकॉर्ड कीजिए और आप देखिएगा कि उसका ट्रांसक्रिप्शन कितनी आसानी से हो जाता है। ये लीजिए सर, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे मैप्स को रिव्यू करता हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत सारी फोटोज क्लिक करना पसंद है अपने फ्रेंड्स और फैमिली। वाओ, इसमें तो एग्जैक्टली वो वर्ड्स आ गए जो मैंने बोले थे। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन AI फीचर से अपने काम को काफी आसानी से और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सर अब मैं आपको एक और AI फीचर के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है AI स्क्रीन ट्रांसलेशन। आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। आप इसे AI स्क्रीन ट्रांसलेशन की हेल्प से, जैसे आप देख सकते हैं इसको आप ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है, और आप चाहें तो जो लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं आप उनको AI स्क्रीन ट्रांसलेशन की मदद से पूरी स्क्रीन को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या आप इसको बंगाली में ट्रांसलेट कर सकते हैं? श्योरली सर, आप देखिए यहाँ पे मैंने बंगाली सिलेक्ट किया, अब ये पूरा जो स्क्रीन है वो इंग्लिश टू बंगाली जो है वो ट्रांसलेट हो गया। यस, कैसा लगा आपको ये सारे AI फीचर्स? ये काफी कन्वीनियंट है। थैंक यू सो मच सर। सर अब मैं आपको X Fold 3 Pro की एक ब्रीफ समरी देना चाहूंगा। सर X Fold 3 Pro इज इंडियाज लाइटेस्ट फोल्ड जिसका वेट सिर्फ 236 ग्राम्स है। ये इंडिया का स्लिमेस्ट फोल्ड डिवाइस है जिसका स्लिमनेस सिर्फ 11.2 mm है। सर X Fold 3 Pro इज इंडियाज बिगेस्ट डिस्प्ले इन फोल्ड विथ 8.03 inches. इट हैज इंडियाज brightest display of 4500 nits. Sir, X Fold 3 Pro is the only fold device in India which has Zeiss camera system.
एंड X Fold 3 Pro इज India's फर्स्ट फोल्ड डिवाइस launched विद Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर. इट हैज India's बिगेस्ट बैटरी ऑफ 5700 mAh. इट हैज India's फास्टेस्ट चार्जिंग ऑफ 100 watt, विच मेक्स इट सर द बेस्ट फोल्ड ever. सर मुझे उम्मीद है कि आपको X Fold 3 Pro के फीचर्स काफी पसंद आए होंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर.